हाय, मैं गई थी द लिटिल फ्ली मार्केट. मुझे फ्ली मार्केट्स बहुत पसंद है. अपना नया हेयर कट करवाया और अपने दोस्तों के साथ पहुंच गई. सी योर हेयर कट इज लुकिंग सो नाइस. दैट्स पल्लवी. हाय पल्लवी, इज आर हैप्पी स्ट्रीट. कैसा लग रहा है तुमको? आर यू हैप्पी? ग्रेट वाइब्स. मेरे दो और फ्रेंड्स आ गए थे, अर्जुमन और पार्थ. अर्जुमन ने हमें ज्वाइन किया और उन्हें वीडियो में नहीं आना था, तो मैंने उन्हें बिल्कुल भी शूट नहीं किया. और किसी की परमिशन के बगैर मैं उन्हें शूट नहीं कर सकती, उन्हें अपने ब्लॉग में नहीं ले सकती. ऑफ कोर्स मैंने कुछ रील्स देखे थे इसी फ्ली मार्केट के लोगों के, एंड ब्लॉग्स भी जहाँ पे लोगों ने इसे अमीरों का मेला कहा है या फिर अमीरों का सरोजिनी नगर, रिच पीपल्स कोलाबा मार्केट, विच इज़ ट्रू इन अ वे. ऑफ कोर्स एक श्रीलंकन स्टॉल में पहुँचे हम. यार ये सोडा बहुत पसंद आया हम दोनों को, हमने दो बार पिया. सो या चीयर्स गाइस. और कुछ खाना तुमने? यस. क्या खाना है? कुछ डिफरेंट, समथिंग जापानीज. There are a lot of cuisines actually. Sushi ko chhod ke, because I don't like sushi. Also she's from Delhi and she doesn't like momos. I don't like momos. I don't like sushi. Kuch aur. Abhi Arjun aur Parth aaye the to dono ye sab Delhi ke khane ko discuss kar rahe the, jagah main wo shoot nahi kar payi, but bahut interesting conversation tha. Aur kaise Pallavi is place ko Delhi Haat se, yes, compare, but bata rahi thi ki Delhi Haat wali vibe hai. आज ऑनेस्टली बहुत गलत दिन है यहाँ पे आने का. कल के दिन कम भीड़ थी, मैंने सुना आज बहुत भीड़ है. मैंने बहुत सारी अमेरिकन मूवीज, हॉलीवुड मूवीज में देखा है ऐसा, यू नो दिस काइंड ऑफ स्टॉल्स एंड मैं उसे गेट बाय लविंग इट. एंड यू नो व्हाट, पास में ये कॉन्सर्ट भी चल रहा था पर हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देख पाए बिकॉज अंग्रेजी म्यूजिक था. ऑनेस्टली अगर हिंदी म्यूजिक होता ना तो हम दोनों वहाँ पे डांस करना स्टार्ट कर चुके होते. मैं कुछ देर रुकी भी कि शायद हिंदी गाना गा लेंगे ये लोग, शायद भूले भटके कोई हिंदी गाना याद आ जाएगा, या नो रूबरू टाइप से ऐसा कुछ. लेकिन कुछ गाया ही नहीं उन्होंने. फिर हम वहाँ से निकल गए शॉपिंग की ओर और दोनों किफ़ायती लड़कियों ने कुछ नहीं खरीदा. एक्चुअली ऐसे सारे इयररिंग्स तो हैं तो फिर खरीदने की जरूरत भी नहीं थी, तो हमें कुछ इतना कुछ खास लगा नहीं. बट हाँ, ये स्टोर्स काफ़ी एक्सक्लूसिव थी और मैं चलते चलते सोच रही थी कि यार इसका व्लॉग तो बनाएंगे ज़रूर, एडिट करके इसे अपलोड तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि काफ़ी कलरफुल सा माहौल था. एंड आई थॉट कि यार इसको तो डॉक्यूमेंट करना ही चाहिए. एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. यहाँ तक आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा वो होगा मेरी कज़न की शादी का, जो रिसेंटली अहमदाबाद में हुई है. अगर आप इंस्टाग्राम पे जुड़े हो मेरे साथ आपने मेरी स्टोरीज देखी होंगी, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आई एम गोना अपलोड अ डिटेल वर्जन ऑफ इट योर एज़ वेल. यू हैव फन, जल्दी मिलते हैं. बाय बाय.